कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरह से अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी रेमेडी। जैसे आप लोगों को पता है कि दिवाली आ गया है और दिवाली में हम अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, यू नो ऑब्वियसली हम जो लेडीज होते हैं घर में ही बस अपने काम काज में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हमें वक्त नहीं मिलता है कि हम जाएं और अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा यू नो पार्लर में जाके फेशियल एंड ऑल करवाएं, और उसी उलझन में हम बाकी की चीज़ें भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। बस हम टाइम को ढूंढते रह जाते हैं कि कब जाएं और किस तरह से हम अपनी स्किन को फ्लॉलेस बना सके, अपनी स्किन को रंगत बहुत ही अच्छे से प्रोवाइड कर पाएं। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर कर रही हूँ जिससे कि आपको मिलेगा 100% नेचुरल रिजल्ट, जिससे कि आप अपने स्किन को फ्लॉलेस बना सकते हो घर पर ही। बस आपको अगर वक्त नहीं मिल रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पे ही इस रेमेडी को आप कर लीजिए। 100% आपको ये नेचुरल तरीके से आपकी स्किन को फ्लॉ बनाएगी, साथ ही साथ नॉरिशमेंट देगी और स्किन बहुत ज़्यादा प्रेप हो जाएगी। आप घर पे ही इन सारी चीज़ों को कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, फटाफट से देख लेते हैं हम अपनी स्किन को किस तरह से निखार सकते हैं। टैनिंग की प्रॉब्लम हो गई है तो भी ये बहुत अच्छी तरह से वर्क करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आपको लेना है यहाँ पे 2 रुपए की कॉफ़ी। आप किसी भी ब्रांड का कॉफ़ी ले लीजिए, बट बहुत ही अच्छे होते हैं कॉफ़ी। क्या आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं आपके पिंपल से, दाग धब्बों से और झुर्रियों से? बहुत ज़्यादा आपको चिंता होती है कि हमारे जो दाग धब्बे और पिंपल्स है वो जड़ से दूर क्यों नहीं होते? बस आप इस रेमेडी को यूज़ करना शुरू कर दीजिए, आपकी स्किन टाइट भी होगी, साथ ही साथ आपकी स्किन से जितने भी दाग धब्बे हैं, झुर्रियाँ हैं, पिंपल्स, ये सारी चीज़ों का आपको समाधान मिलेगा। तो कॉफ़ी तो आपने सुना ही है कि पीने से नींद भाग जाते हैं, नहीं जी बिल्कुल, आपके पिंपल्स भी दूर भाग जाएंगे। तो यही जो चीज़ें हैं कॉफ़ी में हमें यूज़ करना है। जैसे कि मैंने कॉफ़ी ले लिया, उसके बाद मैंने शुगर ले लिया। 2 स्टेप बताने वाली हूँ आप लोगों को। आपको लेना है शुगर, ग्लाइकोलिक एसिड बहुत अच्छी होती है कॉफ़ी में, पाया जाता है कैफीन, और हम यहाँ पे लेमन का यूज़ करें। आप लेमन की स्किप कर सकते हो दोस्तों, बट मैं यहाँ पे लेमन का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि नेचुरल क्लींजर का काम करती है। इन सारी चीज़ों को आपको मिक्स करना है और कोकोनट ऑयल आप इसमें ज़रूर ऐड करें, जिससे कि आपकी स्किन बहुत ही सूथ प्रोवाइड करेगी। वैसे देखिए, सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है तो यहाँ पे कोकोनट ऑयल अगर आप लेंगे तो स्किन से जो जमी हुई जो गंदगी है, जो दाग धब्बे हैं और जैसे कि टैनिंग की अगर प्रॉब्लम है, तो ये रिमूव करने का बहुत अच्छा काम करती है। इस तरह से इस स्क्रब को आपको बना लेना है। अब आपको इस स्क्रब को लेना है, अच्छी तरह से अपने चेहरे पे लगा लेना है। कम से कम इसे 10 से 15 मिनट इसी तरह से आपको छोड़ देना है। इस स्क्रब को लगाने के बाद मैंने हल्के से मसाज किया और इसे रिमूव किया। बहुत अच्छा ग्लो आता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अब देखिए हम सेकंड स्टेप में काम करेंगे, जो कि हम मॉइस्चराइज़र एक क्रीम बनाने वाले हैं। तो सेम आपको कॉफ़ी ले लेना है। मैं यहाँ पे 2 रुपए की जो कॉफ़ी आती है उसी से इस क्रीम को बनाऊंगी। तो चलिए, हमने एक कॉफ़ी ले लिया है यहाँ पर। कॉफ़ी में बहुत ही अच्छे से हम सभी जानते हैं कि पाया जाता है कैफीन, और कैफीन हमारे स्किन को बहुत अच्छे से सूद प्रोवाइड करती है, दाग धब्बों को तो रिमूव करती है। बट कॉफ़ी में अगर आपने मेथी के दाने को ऐड कर लिया ना दोस्तों, तो आपकी स्किन फ्लॉलेस भी हो जाएगी, साथ ही साथ स्किन में कसाव भी आएगा। जो झुर्रियों की समस्या शुरू हो जाती है एट द एज 30 या 25 ईयर्स के एज में भी, जो झुर्रियाँ थोड़ी बहुत पड़ना शुरू हो जाती है ना, उसे डीले करने का बहुत अच्छा काम करती है। मैं यहाँ पर ग्राम फ्लोर ले रही हूँ, जिसे कि हम बेसन के नाम से जानते हैं, और बेसन बहुत अच्छे होते हैं स्किन को टाइट बनाने के लिए, नेचुरल क्लींजर का काम करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे कॉफी में मेथी का दाना, बेसन ऐड करना मस्ट है। और मैं यहाँ पे लेमन का यूज कर रही हूँ, जो कि नेचुरल ब्लीच का काम करती है। आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे देकर के बाहर पार्लर में जाकर के फेशियल कराने की जरूरत नहीं। इस फेशियल को आप जरूर कर लीजिए घर बैठे ही। और हनी का यूज कर लीजिए, हनी आपके स्किन के लिए पीएच लेवल को मेंटेन करती है और नॉरिशमेंट देती है, मॉइस्चराइज प्रोवाइड करती है। इन सारी चीजों को आपको ले लेना है। अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं दही का। जी हाँ दोस्तों, कर्ड काफी ज्यादा अच्छे होते हैं हमारी स्किन के लिए, हमारी स्किन से जितने भी दाग धब्बे होते हैं। अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा काली परत जम गई है, जैसे कि सन टैन की प्रॉब्लम हो गई है, सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन जो है ना रूखा रूखा सा होता है, एकदम से बेजान सा लगने लग जाता है, बस इस DIY को अगर आपने कर लिया ना दोस्तों, तो 100% ये नेचुरल तरीके से आपके स्किन को फ्लॉलेस बनाएगी, साथ ही साथ स्किन की रंगत को भी सुधार देगी। ठीक है, ये एक तरह का स्किन वाइटनिंग, ब्राइटनिंग, लाइटनिंग पैक आप कह सकते हैं, जिससे कि आपकी झुर्रियाँ भी रिमूव होंगी। इस रेमेडी को आपको इस तरह से प्रिपेयर कर लेना है। अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और उसके बाद अपने फेस पे इसे अप्लाई करेंगे। तो किस तरह अप्लाई करेंगे वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो पैक है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसे अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगे।
तो सबसे पहले आपको फर्स्ट कोट आपको लगाना है अपने चेहरे पे अच्छी तरह से, इसे 20 मिनट तक लगाकर छोड़ दें। उसके बाद अपने हाथों पैरों पे भी आप ज़रूर लगाएं, जिससे कि स्किन की कसावट है हाथों पैरों पे भी आ जाए, बहुत अच्छा सा ग्लो और रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। 20 से 30 मिनट इसे ज़रूर लगा करके रखें अपने चेहरे पर। उसके बाद अपने चेहरे को धो लीजिए। मॉर्निंग में अगर आप इसे करोगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो देखा आपने, घर बैठे ही हमने अपने स्किन को फ्लॉलेस बना लिया ना। कितनी बेहतरीन रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो दोस्तों आपको करना है एक लाइक, और आपकी एक लाइक से मुझे मिलती है मोटिवेशन, और मैं इसी तरह से आप लोगों के साथ अपनी वीडियोस और रेमेडीज को शेयर करते रहूंगी आगे भी। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे।